लोगों पे जो नमाज वाजिब है वो कौन कौन सी नमाज है? पांचों वक्त का नमाज। पांचों वक्त का नमाज फर्ज है। वाजिब कौन कौन सी नमाज है? वाजिब मतलब नहीं पढ़ना फिर की नमाज। नहीं नहीं, जुमा की नमाज तो फर्ज है। ईद की नमाज वाजिब है। ईद बकरीद की नमाज वाजिब है। ईद बकरीद है और उसके अलावा एक और नमाज है जो पांचों वक्त पढ़ी जाती है, उसमें से ही है वो ऐसा कि ईशा में ही पढ़ी जाती है। वित्र है जो वाजिब है और ईद बकरीद की नमाज भी वाजिब है। अच्छा, वो कौन से नबी थे जिनकी एड़िया रगड़ने की वजह से जमजम का पानी निकला था? याद है रे, भूल रहा हूँ यार। पेट में मुंह में नहीं। हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अली सलाम के बेटे थे। वो तो भूल गया हूँ इसलिए। हजरत जी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। ठीक है माशाल्लाह। आ जाइए चाचा, आप भी आ जाइए, आ जाइए। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि इस दुनिया में, इस्लाम में जो दो ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, वो कौन से दो बादशाह थे? बादशाह के बारे में नहीं मालूम। मैं बोल सकता हूँ? हाँ, एक फिरौन। फिरौन वो काफिर था। मैं मुसलमान बादशाह की बात कर रहा हूँ। मुसलमान बादशाह के बाद। और फिरौन की हुकूमत पूरी दुनिया पर नहीं थी। वो तो था, पता है, लेकिन फिर भी एक वो काफिर, लेकिन एक बादशाह। हुकूमत मिस्र में थी। मिस्र में थी, ठीक है ना। बनी इसराइलियों पे उसकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर दो बादशाहों ने हुकूमत की है, मुसलमान। याजूज और बाजूज नाम था। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, ठीक है, और हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहि सलाम। अच्छा, नमरूद एक बादशाह गुजरा है इस्लाम में जो काफिर था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, उसको वो कैसे मरा? उसको मच्छर मसलत कर दिया गया था उसके दोनों नाक में, है ना, और उसको सर के ऊपर से जूता मारा जाता था। उसी हालत में उनकी, उसको एक लंगड़ा मच्छर ने मारा था। तकब्बुर में वो आ गया था कि मैं खुदा हूँ, लेकिन खुदा ने उसको बता दिया कि तू एक मच्छर, मैं तुझे एक मच्छर से मारूंगा, तेरा तकब्बुर तोड़ दूंगा मैं तेरा, है कि नहीं। हाँ, मच्छर की मसलमत कर दिया गया था उनके ऊपर, उसके सिर में वो चला गया था, है ना। उसके बाद जाकर वो पागल की तरह करने लगा। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके घर में परवरिश पाए थे? फिरौन का घर। फिरौन के घर में। हजरत वो कौन से नबी थे जो बगैर बाप के पैदा हुए थे? ये हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, वो कौन से नबी थे जिनको मिस्र के बाजार में बेचा गया? मिस्र के बाजार, यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर कहाँ के बादशाह बने थे? वो मिस्री के बादशाह बने। जी माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी किन से हुई? जुलेखा से हुई। जुलेखा से हुई। अच्छा चचा, आप रुकिएगा, वो कौन से नबी थे जिनको देख करके औरतों ने अपना हाथ काट लिया? पता नहीं, उनको देखते देखते औरतों ने अपना हाथ काट लिया था। मिस्री की वो औरतें लोग जो है ना, उनको इनकी खूबसूरत रहा का, जुलेखा जब फैदा हो गई ना, तो कहा कि उनकी सूरत देखोगे तो सभी आदमी फैदा हो जाएगा, तो सबको ये दिए, ये नेम्बो दिए हाथ में, एक चाकू दिए, और यूसुफ अलैहि सलाम को सामने स्टेज पे पेश किया गया, तो कहा इनको देखो, तब कहा छुरी चलाने के लिए, तो नेम्बो काटने की जगह वो अपना उंगली काट डाले। माशाल्लाह, चाचा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या? अच्छा जी जी, माशाल्लाह, बहुत सही सही जवाब दिए हैं। अच्छा चाचा, इस दुनिया में सबसे पहले सलाम किसने किया था? आदम अली सलाम। आदम अली सलाम ने किया था, सही है। किनको किया था? उस वक्त कौन रहा होगा ये सोचिए। अल्लाह और उसके रसूल। रसूल अल्लाह के तो नूर उस वक्त थे। नूर थे, लेकिन उस वक्त जो लोग जाहिर में थे वो कौन थे? वो थे हव्वा अलैहि सलाम थे, और उसके दो बेटे। दो बेटे के बाद हजरत हव्वा अलैहि सलाम तो जन्नत में पैदा हुई। आदम अलैहि सलाम जब पैदा हुए तो उन्होंने सलाम किया था। किनको किया था? अपने बीवी।
उन्होंने फरिश्तों को सलाम, फरिश्तों को क्या होगा, फरिश्तों की जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, तो जो सुनेगा इसको उसको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अरहमकुल्लाह अरहमकुमुल्लाह यरहमकुल्लाह मुल्ला, अच्छा यरहमकुल्लाह कहेंगे, और फिर जो जिसको छींक आई थी वो फिर एक और चीज़ वो कहेगा, वो क्या कहेगा? बेहमदेही ताला, बेहमदेही ताला, या फिर अल्लाह लना वालकुम कह सकता है जी, ठीक है। उसके बाद यहदिकुम अल्लाहु बालकुम, ठीक है, इसलिए बालकुम कह सकता है। अच्छा हमारे नबी के कितने बेटे थे? मालूम तो नहीं लेकिन गलत गेस भी नहीं कर सकता। दो, 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 दो। कौन सा, कौन से नबी? हमारे नबी के, हमारे नबी के, हमारे नबी का नाम, हमारे नबी का नाम नहीं मालूम है। मैं मतलब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां तो नाम क्या है तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा। देखो गुलाम मुस्तफा, इसको नाम नहीं मालूम क्यों बोल रहा है? मोहम्मद सिराज साफी। देखिए हर इंसान के नाम के साथ हमारे नबी का नाम जुड़ा हुआ है, मोहम्मद है ना। हमारे नबी का क्या नाम है? अच्छा अच्छा, हमारे नबी का एक और नाम है, जाती नाम मोहम्मद, एक और नाम है मुस्तफ़ा, वो बहुत सारे नाम हुआ, अहमद हुआ, अहमद। हमारे नबी के दो जाती नाम थे, अहमद और मोहम्मद, ठीक है। तो बताया नहीं कि हमारे नबी के कितने बेटे थे? एक, एक तो नहीं हो सकता। हमारे नबी के तीन बेटे थे, ठीक है, और तीनों बचपन में ही वफात कर गए। अच्छा बेटियाँ कितनी थी? बेटियाँ तो मतलब फातिमा, अरे तादाद कितनी थी? तादाद के, हाँ हमारे नबी की चार बेटियां थी। अच्छा हजरत अली किन की, हजरत अली की बीवी कौन थी? हजरत अली की वही फातिमा, हजरत फातिमा। करबला के मैदान में कितने लोग शहीद हुए थे? करबला के मैदान में तो बहुत सारे शहीद हुए ना, तादाद तो बहुत सारे है, कितनी तादाद? किताब में आया कमोबेश 72। अच्छा 72 लोग शहीद हुए थे। अच्छा चलिए नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा यहाँ बात करके, काफ़ी अच्छा लोगों ने सवालों के जवाब दिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को आलम इस्लाम के मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की हिफाजत और सियानत फरमाए, हम सब पे हज़रत गदा अली शाह रहम अली शाह बहार अली शाह की फैज़ और बरकत से हम लोग मालामाल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।